सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप सभी आगे भी बढ़िया रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक और जबरदस्त वीडियो। मगर आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ब्रोली से और वो कहता है, चिलई जल्दी यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाओ। कुंबर कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ब्रोली बोलता है, क्या चाहते हो तुम? कुंबर कहता है, बदला। ब्रोली पूछता है, कैसा बदला? आखिर कौन हो तुम? चिल्ड कहता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। दरअसल तुम और कुंबर दोनों ही एक लेजेंडरी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, और तुम्हारी फैमिली और कुंबर की फैमिली में परसों पहले दुश्मनी हो गई थी। दोनों की फैमिली एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। कुंबर को ब्रोली को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी चिल्ड कहता है, रुक जाओ कुंबर, तुम्हें मौका मिलेगा। ब्रोली कहता है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। चिल्ड कहता है, नहीं ब्रोली, मैं कुंबर को यहाँ पर एक दूसरी टाइमलाइन से इतनी मुश्किल से लाया हूँ, और तुम होगी हमें जाने के लिए कह रहे हो। ब्रोली कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, मैं किसी लेजेंडरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। चिल्ड कहता है, हा हा हा, ब्रोली तुम सिर्फ आधा सच जानते हो। तुम्हारे पिता भले ही लेजेंडरी ना हो, मगर तुम्हारे अंदर जो पावर है वो उन महान योद्धाओं की है जिन्हें हजारों साल पहले देखा गया था। ब्रोली कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चिल्ड कहता है, क्योंकि तुम्हारे ही लोगों ने कुंबर के पेरेंट्स को मारा, और अब वक्त आ गया है, अब कुंबर तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करेगा। तभी कुंबर ब्रोली को धमकाता है और कहता है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पूरी रेस खत्म कर दूंगा। जब जब कोई लेजेंडरी सेंट पैदा होगा, मैं उसे मारने के लिए आता रहूंगा। चिलई कहती है, ब्रोली मुझे डर लग रहा है। ब्रोली कहता है, चिलई मैं इन्हें रोक रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गुहान पर और मरनो पर, और मरनो उसे स्पेस में एक अननोन प्लेनेट दिखाता है। मरनो बोलता है, तुम्हें यहाँ सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? गोहान कहता है, जरा भी नहीं। मगर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मीरस कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरे दिए गए मिशन को पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें इन्फर्नो पावर को देना शुरू कर दूंगा। गोहान अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ तुमने कहा था। मरनो कहता है, तो बस अब तुम्हें इस प्लेनेट को एक वार में तबाह करना है। गोहान पूछता है, इस प्लेनेट में ऐसा क्या है मरनो? मरनो बोलता है, इस प्लेनेट में करोड़ों लोग रहते हैं। गोहान बोलता है, मगर ऐसा करने पर वो सभी मारे जाएंगे, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता हूँ। मरनो कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा गोहान, इसे तुम एक तरह से बलि समझ लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इन्फर्नो पावर को तुम और शक्तिशाली बना पाओगे, और इससे तुम्हारा टेस्ट भी होगा कि तुम इस पावर के लायक हो या नहीं। गोहान बोलता है, मगर तुम मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहते हो? मरनो बोलता है, तुम बहुत सवाल करते हो गोहान, अगर तुम ऐसा करते रहे तो गॉड लेवल तक कैसे जा पाओगे? तुमने कभी सोचा है कि गॉड ही हमेशा इमोर्टल बनते हैं? वो ही इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो किसी को मारते वक्त कुछ सोचते नहीं हैं। उनके सामने चाहे एक शख्स हो या फिर हजारों, वो उन्हें मारने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा किया। तो तुम्हें भी उनके लेवल पर जाना है, बल्कि तुम्हें गॉड से भी ऊपर जाना है, इसलिए चलो खत्म कर दो इन्हें। गोहान अब बहुत ही सोचता है और वो अपना ध्यान आगे बढ़ाता है। मरनो गोहान को उकसाता रहता है और कहता है, चलो गोहान मारो इन्हें, तुम सबसे पावरफुल हो, तुम इमोर्टल हो, चलो खत्म करो इन्हें। तुम्हारे सामने ये बस कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हें इनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चलो वार करो,
और अपनी जिंदगी का पहला बेहतरीन मिशन पूरा करो। अब गोहान और भी डीपली सोचता है और मरनो से उकसा रहा है। मरनो कहता है, गोहान मेरी बात मानो, ये करने में तुम्हें शुरुआत में परेशानी होगी, मगर जब ये हो जाएगा तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तुम इनके बाद कभी रिग्रेट नहीं करोगे। चलो अब इन्हें खत्म करो और अपने अंदर तुम शक्ति को आने दो जो तुम्हारे लिए बनी है। तभी गोहान एक जोरदार धमाका उस प्लैनेट में कर देता है और उस धमाके में पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मरनो पूछता है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है गोहान? अब हमें गोहान एक डेंजरस स्माइल के साथ दिखाई देता है और वो कहता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मरनो कहता है, मैंने कहा था ना गोहान, तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं, मीरस मैंने बहुत सोचा और मुझे तुम्हारी बात एकदम सही लगी, मगर रूल तो रूल होते हैं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। मीरस बोलता है, मगर फादर ये तो गलत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे मत सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही। अब सीन जाता है राइकून पर और वो कहता है, डार्क एनर्जी मैं तुम्हें यहाँ आने का आदेश देता हूँ, डार्क एनर्जी तुम यहाँ पर आ सकती हो। राइकून अब डार्क एनर्जी की एक तरह से पूजा करने लगता है और वो बार बार उस एनर्जी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। राइकून कहता है, ये पूरा मल्टीवर्स तुम्हारा है, तुम यहाँ आ सकती हो। तभी उस प्लैनेट में अर्थक्वेक आने लगता है। राइकून कहता है, डार्क एनर्जी मैं तुम्हें यहाँ आने का आदेश देता हूँ। तभी वहां पर राइकून को एक एनर्जी महसूस होती है। राइकून बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मेरे सामने आ जाओ, चलो अब और देर मत करो। तभी वहां पर एक डोर दिखाई देता है। राइकून उस डोर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तो ये है वो दरवाजा जो पूरी शक्तियों तक ले जाती है। अब सारे मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ग्रैंड प्रिंस जेनो सब मारे जाएंगे। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, चंपा कुछ आइडिया दो यार, हम उस राइकून को कैसे रोकें? चंपा बोलता है, राइकून बड़ा ही शातिर है, उसे हम जाल में नहीं फंसा सकते हैं। वजीटा कहता है, मैं तो बोलता हूँ कि हम ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात बता देते हैं। चंपा बोलता है, तुम कैसी बात कर रहे हो वजीटा, अगर ग्रैंड प्रिस्ट को पता चला तो वो पहले मुझे मार देंगे। बीरस कहता है, तो फिर हम वहाँ पर गोकू को ही भेज देते हैं, क्योंकि वो ही अकेला ऐसा है जो राइकून को रोक सकता है। वजीटा कहता है, अगर कैकरोट उसे रोक सकता है तो मैं भी उसे रोक सकता हूँ। बीरस कहता है, वजीटा बच्चे मत बनो, तुम्हें पता है कि गोकू के पास कौन सी पावर है। अब सीन जाता है राइकून पर और वो सोच रहा होता है। राइकून कहता है, आखिर ये दरवाजा खोलेगा कैसे, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। राइकून दरवाजे से कहता है, खुल जा सिम सिम, मगर वो दरवाजा खुलता नहीं। राइकून फिर से कोशिश करता है और कहता है, आबरा कडाबरा खुल जा दरवाजा। राइकून कहता है, अजीब मुसीबत है यार, अब ये कैसे खुलेगा। तभी मीरस वहां आ जाता है और कहता है, लॉर्ड राइकून ये दरवाजा कैसा है? राइकून मीरस को झूठ बोलता है, ये तो बस ऐसे ही है, मैं इसे ले आया हूँ, मुझे ये डोर काफी अच्छा लगा। मीरस कहता है, तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? राइकून कहता है, मैं सोच रहा था कि ऐसा ही डिजाइन वाला एक डोर मेरे घर में भी हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मीरस कहता है, सच सुनना है आपने, मुझे ये डोर पसंद नहीं आया है। राइकून कहता है, ओके तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते हो? मीरस कहता है, जी लॉर्ड राइकून। अब मीरस वहां से चला जाता है। राइकून डोर से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं कि वो गेट राइकून को इशारा करके कहता है कि उसे की जरूरत है। राइकून पूछता है, कैसी की? अब हमें उस गेट में इन्फर्नो लिखा नजर आता है।
अब सीन जाता है गोहान पर और वो बोलता है, तुम क्या ऐसे ही मजे करते रहते हो? तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है। मरनो कहता है, नहीं ये सब तो मैं बस दूसरे लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ, ताकि वो आगे जाकर एक बेहतरीन फ्यूचर बना सके। खैर मेरी छोड़ो और ये बताओ कि अब तुम राइकुन को मारने कब जाने वाले हो? गोहान पूछता है, क्या मैं रेडी हो गया हूँ? मरनो कहता है, हाँ अब तुम रेडी हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इस पावर का यही रूल है, तुम्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। गोहान कहता है, तो ठीक है तैयारी करो मेरे जाने की। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब जाओ यहाँ से। चिल्ड कहता है, लगता है तुम ऐसे हमारी बात नहीं समझोगे, अब हम तुम्हें दो चांस दे रहे हैं, या तो मेरे साथ चलो और या फिर कुंबर के हाथों मरो। तभी ब्रोली कहता है, लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। चिल्ड कहती है, रुक जाओ ब्रोली। ब्रोली अब चिल्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुंबर अपने एक ही पंच में ब्रोली को दूर गिरा देता है, जिसे देखकर चिल्ड को बहुत ही मजा आता है। चिल्ड कहता है, ब्रोली ब्रोली अभी मैंने लड़ाई शुरू नहीं करी और तुम पहले ही लड़ाई शुरू कर रहे हो। लड़ाई से पहले क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारी दोस्त अगर इस लड़ाई में मारी गई तो? ब्रोली बोलता है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। चिल्ड कहता है, बहुत प्यार है तुम्हें इससे, तो इसकी जान अगर बचाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, हमारे गुलाम बन कर रहो। ब्रोली अब बहुत ही सोचने लगता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस मगर मैं वहाँ क्या करूँगा? बीरस कहता है, गोकू अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही उस राइकुन को रोक सकते हो। गोकू बोलता है, मगर मुझे क्या करना होगा? चैंपा कहता है, राइकुन एक हेल का गेट खोलना चाहता है, तो तुम्हें बस उसे ही रोकना है। गोकू कहता है, अच्छा मगर वो गेट दिखता कैसा होगा? चैंपा कहता है, मुझे नहीं पता मगर हमें जल्दी करनी होगी, अगर उसने उस गेट को खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गोकू कहता है, आप कहते हो तो ठीक है मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। वजीटा कहता है, कैकरोट मैं अगर साथ नहीं जा रहा हूँ तो खुद को अकेला मत समझना। गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल वजीटा तुम फिक्र मत करो। अब सीन जाता है राइकुन पर और वो कहता है, लगता है कि ये दरवाजा किसी की शक्तियों से खुलेगा, मगर कौन हो सकता है वो? और तभी वहाँ आ जाता है गोहान और वो कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। अब गोहान के आने से वो गेट थोड़ा चमकने लगता है। राइकुन कहता है, क्या गोहान ही वो शख्स है जो इस गेट को खोल सकता है? अब मैं समझ गया। गोहान कहता है, राइकुन चलो उस मैच को पूरा करते हैं जो हमने बीच में छोड़ दिया था। राइकुन कहता है, गोहान आओ स्वागत है तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा तो चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। तो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कल जबरदस्त एपिसोड आने वाला है तो सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय।